हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल सिंपल एंड रियल ब्लॉग विथ रियांशु। गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और अभी 10 बज रहा है और आज है सोमवारी। तो हम लोग सोमवारी की पूजा किए हुए हैं, तो हम लोग वहीं की तैयारी कर रहे हैं पूजा करने जाने के लिए, मंदिर जाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बेलपत्र को 11-11 गिन करके और अच्छे अच्छे पत्ते चुन करके इसमें तोड़ करके रख लूँगी धो करके। और ये मेरे पूजा घर का रूम है, तो आप सब देखे होंगे और नहीं देखे हैं तो मेरे विलेज हाउस टूर में जा करके देख लीजिए। और आज इस वीडियो में खास ये है कि मैं आप लोगों के अपने घर के एक नए सदस्य मिलाने वाली हूँ। और उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ब्लॉग पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करें। तो यहाँ पर मैं जितनी भी पूजा में सामान ले जाना है वो सारे इसमें रख लूँगी। तो यहाँ पर मैं दो दीपक लेके आई, दीपक को ले जाना है वहाँ पे पूजा करने के लिए। और मैं मिट्टी के ही दीपक ले जाती हूँ हमेशा, ताकि उसे जला के वहीं छोड़ दूँ। घर के दीपक ले जाने से होता है कि उसे वापस लाना पड़ता है, तो वह अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सारे सामान मैं धो करके और अच्छे से करके रख ले रही हूँ। तो यहाँ देखिए नारियल वगैरह सब कुछ धो करके रख ले रही हूँ। और यहाँ पे जितने भी कुछ मुझे ले जाना है वो सब धो धो के रखते जाती हूँ, ताकि वहाँ पे कोई इसी तरह का दिक्कत ना हो। और मैं आप लोगों को लास्ट में दिखलाऊँगी कि क्या क्या ले जाती हूँ। तो ये देखिए पीछे दिख रही होगी वो हमारी नई सदस्य, कौन है वो मैं जल्दी ही आप लोगों से मिलाऊँगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं रेडी कर ली हूँ। तो यहाँ पर देखिए पैकेट है, वो मार्केट से बना हुआ ही आया था, उसमें लोरी, सिंदूर, अगरबत्ती, माचिस और भांग वगैरह सब कुछ है। तो यहाँ पर दूध और इधर केला और नारियल मैं ले लिए हूँ। और इधर बेलपत्र वगैरह सब कुछ रख ली थी, दीपक वगैरह सब कुछ रख ली थी वहाँ पे ले जाने के लिए। और मंदिर सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर चलते हैं और आप सबों को भी मंदिर ले जाते हैं। और आप सब कैसे तैयारी करते हो ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। तो यहाँ पे दिव्यांशी है कि परेशान कर रही थी ले जाने के लिए, तो वही ले जाएगी वो बोल रही थी, तो इसलिए उसे ही दे दी। और ये देखिए हमारे घर की नई सदस्य, तो ये हमारे घर की छोटी बहू। और यहाँ देखिए हम लोग मंदिर आ गए हैं। अभी अभी न्यूली शादी हुआ है, 1 मंथ ही भी नहीं हुआ है। तो ये देखिए ये भी पूजा करने के लिए आई है हमारे साथ में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग पूजा कर रहे हैं। तो बस मैं पूजा स्टार्ट ही की थी तभी दिव्यांशी स्टार्ट हो गई कि नहीं मुझे दो, मैं भी करूँगी। और हम लोग के साथ साथ वैसे वो भी की, हालांकि वो खाना तो नहीं खाई थी लेकिन बिस्किट खा ली थी। तो चलता है, बच्चे लोगों का इतना तो चलता है, वो छोटी है तो चलेगा। तो बस हम लोग जैसे कर रहे थे वैसे वो भी करते रही। और सारी कुछ मतलब एक भी चीज़ छूटी नहीं, जैसे बेलपत्र चढ़ाना, चावल चढ़ाना, नारियल फोड़ना, मतलब जितना भी कुछ हम लोग किए वो सारे कुछ कर रही थी। बहुत ज़िद्दी सी हो गई है और कभी कभी अच्छा लगता है लेकिन परेशान करती है तो थोड़ा ख़राब लगता है कि समझती नहीं है बातों को। तो बस हम लोग यहाँ पे पूजा कर लिए हैं और अब लास्ट बस हम लोग की पूजा ख़त्म ही होने वाली है। तब यहाँ पे नारियल की आ रही है। तो यह देखिए ये मजाक सा है क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम लगा मुझे फोड़ने में, ये फूट ही नहीं रहा था। तो अभी तो दिव्यांशी एक बार पटकेगी लेकिन वो भी नहीं, मैं बहुत टाइम में नारियल फूटा देखिए कितने बार में। तो बोल रही थी कि मत डालिए दीदी मजाक बन जाएगा, उसका तो 2 बार में फूट गया था। मुझे तो फोड़ते फोड़ते बहुत बार फोड़ना पड़ा और फोड़ते फोड़ते हाथ में भी चोट लग गया और अब जाकर के फूटा मेरा नारियल। तो यहाँ पे मैं जल और डार दे रही हूँ नारियल का दिव्यांशी भी, तो उसे भी थोड़ा पूरा मंदिर गीला गीला था इसीलिए मुझे थोड़ा संभल संभल के चलना पड़ रहा था। तो यहाँ देखिए नारियल मेरी तो फूट गई है लेकिन अब इसकी बारी है, छोटी बहू की बारी, इसका नाम रूबी है। तो अब ये भी नारियल फोड़ने जा रही है। इसी के साथ क्या होता है कि मेरी तो हाथ कट जाती है लेकिन ये जब फोड़ती है तो इसकी भी 2 बार फूटती है और 2 बार में फूटती है। और इसके दूसरी बार जैसे ही मारती है इसकी 2-4 चूड़ियाँ भी टूट जाती है और पूरा बिखर जाता है चूड़ियाँ। तो फिर मैं उसे समेट के फेंक देती हूँ क्योंकि किसी का गड़ने का भी डर रहता है ना। तो ये देखिए ये भी फोड़ने जा रही है। तो फर्स्ट टाइम तो हम फोड़ी तो हंस गए क्योंकि वो बोल रही थी एक ही बार में फूट जाएगा, इतनी बार प्रणाम करके फोड़ी थी लेकिन नहीं फूटा, पिछले बार तो एक ही बार में फूट गया था। तो ये देखिए तो हम लोग इसमें हंस गए थे तो वो कैमरा हिल गया है, तो इतना माइंड मत कीजिएगा। और ये देखिए दूसरी बार तो जैसे ही ये फोड़ती है टनाक से उसकी सारी चूड़ियाँ भी टूट जाती है, 2-4 चूड़ियाँ और पूरे बिखर जाती है। तो अब इसकी भी नारियल फूट गई है, तब भी मतलब ये ना 2 टुकड़ा नहीं हुआ था, हल्का सा बस ये हुआ जिससे हल्का सा फूटा था जिससे थोड़ा पानी भी निकलने में दिक्कत हो रही थी लेकिन
कोई बात नहीं, और थोड़ी सी तो टूट के यहीं पे कहीं चढ़ गई थी, तो बोली थी कि यहाँ का प्रसादी कहाँ गया, तो मैं बोली कि भोलेनाथ ने खुद अपने आप पे चढ़ा लिया है। तो बस ऐसे ही यहाँ पे हम लोग की पूजा हो गई है। आप सबकी पूजा कैसी रही सोमवारी की, तो आप ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और किसी तरह का कोई रिक्वेस्टेड वीडियो होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं पूरी कोशिश करूँगी पूरा करने की। तो बस यहाँ पे वो कोशिश कर रही है कि टूटे और वो आधा यहाँ पे चढ़ा दे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो हम लोग की पूजा लास्ट हो गई है, और दिव्यांशी देखिए हम लोग के साथ साथ पूरी पूजा कर ली, और मैं यहाँ पे प्रणाम कर ले रही हूँ क्योंकि अब हमारी पूजा लास्ट हो गई है, अब हम लोग जाने वाले हैं। तो ये देखिए कितनी क्यूट क्यूट सी लग रही है यहाँ पे पूजा करते हुए वो पूरा इधर से उधर। और हमारी देखिए ये सोमवारी है, तो सोमवार में हम लोग ग्रीन ग्रीन सा ड्रेस पहने हुए हैं, मैं भी और दिव्यांशी भी, तो अच्छा लग रहा है। हालांकि मेरी साड़ी 5 साल पुरानी है, लेकिन उतनी ख़राब ये ख़राब जरा से भी नहीं हुई है, बहुत कम मैं पहनी हुई। तो बस हमारी पूजा हो गई है, मैं यहाँ पे घंटी बजा के निकल ही रही थी, तो बोली कि नहीं मैं भी बजाऊँगी, तो उसकी चाची थोड़ी मेरे से हाइट में लंबी है, तो मैं बोली कि तुम ही इसे घंटी बजवा दो। तो यहाँ अब हम लोग घर आ गए हैं, अब घर की पूजा करेंगे। तो यहाँ मैं तुलसी पिंडा की पूजा कर रही हूँ, तो अगरबत्ती और जल चढ़ा दी हूँ, अगरबत्ती जला के जल चढ़ा दी। और ये देखिए इधर मेरा खेत का मिर्चा है, और ये सूखने के लिए दिया गया आंगन में, और यहाँ किट्टू को सुला के गई थी, ये भी उठ गया है, और ये देखिए मस्ती कर रहा है, और ये तो अब चलना भी सीख गया है। और इधर मेरी शाम की वीडियो है, तो शाम में थोड़ा अंधेरा सा हो गया था, इसलिए अच्छे से नहीं दिखा, तो मैं छत पे आई थी तो ये क्लिप ले ली, कुछ अच्छा अच्छा सा व्यू आ रहा था, तो आप लोग के लिए ये बस क्लिप ले ली हूँ। और अब चलते हैं, देखिए आप लोगों के की और बताती हूँ। यहाँ पे मैं बैठ के हमेशा यूट्यूब चलाया करती थी, लाइव अटेंड किया करती थी, और मेरे छत में इस तरह का चेंजेस हो गया है, पानी टंकी बैठ गया, सिंटैक्स अब लग गया है, तो इस मैं भी एक बार इसको छत का व्यू भी आप लोगों को दिखला दी कि किस तरह से चेंजेस हो गया है। और इधर बूस्टर लगा हुआ है, नेटवर्क बूस्टर लगा हुआ है, और ये 7-8 बज रहा था, 7:30 कुछ 7:30 ऐसे कुछ बज रहा था। तो यहाँ पे हम लोग सुबह से भूखे थे, कुछ नहीं खाए हुए थे, फल थोड़ा सा प्रसादी खा लिए थे। तो यहाँ पे किट्टू भी आ गया है, बदमाशी कर रहा है चूल्हे पे, और यहाँ पे वो जो है वो नई बहू मतलब रूबी वो मीठा बना रही है, सेवई बना रही है, तो हम लोग सेवई ही खाएँगे फास्टिंग में, तो इसीलिए आज ही इससे मिलवा रही हूँ ताकि इसके हाथ का कुछ मीठा हो जाए। आप सब भी इसके हाथों का मीठा खाने के लिए आ जाइए फटाफट। तो यहाँ पे दूध और किशमिश और चीनी और पानी थोड़ा सा रखी हुई है वो डालने के लिए। तो यहाँ देखिए वो चीनी मैं जितना ये लेके आई थी ना पूरा ग्लास में, एक्चुअली यहाँ पे डब्बा में ख़त्म हो गया था, तो वो पूरा ले करके आई थी कि उसमें थोड़ा रख देगी, तो क्या कि इसे ध्यान नहीं रहा और पूरा डाल दी, फिर वापस उसे उठाई दिए। तो बस इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और पतला वाला सेवई खाने में अच्छा भी लगता है, तो ये फटाफट ये इसे बना ले रही है। तो इसमें किशमिश डाल रही है, ज़्यादा पहले घी और घी में इसे भून ली है, उसे थोड़ा घी डाल के अब यहाँ पे दूध डाल दे रही है, दूध डाल चीनी भी डाल चुकी है ये, और तो देखें ही चीनी के साथ क्या क्या गड़बड़ हो गया है इसमें, लेकिन ज़्यादा मीठा नहीं हुआ, सही क्वान्टिटी में उसने डाला, फिर बाद में ठीक किया इसे वापस उठा करके। तो बस इसे बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस ये ढक दी, अब बस बन ही जाएगा, उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो आप सब भी खाने के लिए आ जाइए, ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, आप